वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम रेडी। हम करेंगे पार्ट 8 चैप्टर 3। उसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वेयर माइनस 5a + 6i की वैल्यू, इफ़ ए आपको ये गिवन है। तो आपको फाइंड आउट करना है ये। तो इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए इंटू ए। तो ए की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 221 01 -1 130। नेक्स्ट क्या है, फिर से ए है, फिर वैल्यू पुट करते हैं 221 01 -1 130। अब हम इनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम से होगी, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 0 × 2 0, और 1 × 1 + 1। नेक्स्ट फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 2 की 0 से 0, 0 की 1 से 0, और 1 की -1 से -1। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 2 × 1 2, 0 × 3 0, और 1 × 0 0। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4, 1 × 2 2, और 3 × 1 3। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 × 0 0, 1 × 1 1, 3 × -1 -3। नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 × 1 2, 1 × 3 that is 3, एंड 3 × 0 that is 0। नेक्स्ट क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2, -1 × 2 -2, और 0 × 1 that is 0। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 × 0 0, -1 × 1 -1, 0 × -1 that is 0। नेक्स्ट क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 × 1 1, -1 × 3 -1। अब इसको हम ऐड करके लिखते हैं, 4 and 1 क्या होता है, 5, ये -1 हो जाएगा, ये 2, 4 2 6 9, ये -2, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1, और ये -2। तो यहाँ ए स्क्वेयर आ चुका है हमारे पास। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है हमें, ए स्क्वेयर माइनस 5a + 6i। तो देखिए ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, 590 -1 -2 -1 2 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ए मैट्रिक्स गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ए क्यूब फाइंड आउट करना है आपको, तो हम पहले ए स्क्वेयर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही हम ए क्यूब फाइंड आउट कर सकेंगे। ए स्क्वेयर को क्या लिखेंगे, ए इंटू ए लिखा है, यहाँ से ए की वैल्यू पुट की हमने, यहाँ से भी ए की वैल्यू पुट की, और इन दोनों की क्या कर दी, मल्टीप्लाई। पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 1 1, 0 × 0 0, 2 × 2 4। फिर फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम से क्या हो जाएगा, 1 × 0 0, 0 × 2 0, 2 × 0 0। नाउ फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से 1 × 2 2, 0 × 1 0, 2 × 3 6। नाउ सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से 0 × 1 0, 2 × 0 0, 1 × 2 2। नाउ सेकेंड रो की थर्ड कॉलम से सेकेंड कॉलम से पहले 0 × 0 0, 2 × 2 4, 1 × 0 0। नाउ सेकेंड रो की थर्ड कॉलम से 0 × 2 0, 2 × 1 2, 1 × 3 that is 3। नाउ अब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई, 2 × 1 2, 0 × 0 0, 3 × 2 6। नाउ सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से 2 × 0 0, 0 × 2 0, 3 × 0 0। नाउ थर्ड रो की थर्ड कॉलम से 2 × 2 4, 0 × 1 0, 3 3 ज़ा 9। अब इनको क्या कर देंगे, ऐड, 4 और 1 5, ये 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8, ये 2, ये 4, ये 5, ये 8, ये 0, ये 30। नाउ ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे, ए क्यूब किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर इंटू ए, ए स्क्वेयर
इंटू ए। तो देखिए ए स्क्वेयर की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट करी है, ये ए स्क्वेयर था आपका, ए स्क्वेयर की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, इंटू में ए है, ए को मैं यहाँ लिख, क्योंकि ए स्क्वेयर इंटू ए की पावर वन कितना होता है ए क्यूब। अब इसकी मल्टीप्लाई जैसे मैंने ए स्क्वेयर फाइंड आउट किया था वैसे ही ए क्यूब फाइंड आउट कर लीजिएगा और ए क्यूब की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब प्रूव किसके, कौन सा किसके इक्वल प्रूव करना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वेयर प्लस सेवन ए प्लस टू आई को जीरो मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना है। इधर वैल्यू पुट करते हैं, ए क्यूब क्या है 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23, 55, नेक्स्ट क्या है माइनस सिक्स, ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है 5, 2, 8, 0, 0, 4, 0, नेक्स्ट क्या है ये है 8, 5, 13। अब 7 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, ए से, ए क्या है आपके पास 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 1, 3, नाउ प्लस में क्या है 2i, i की आइडेंटिटी 3 बाई 3 मैट्रिक्स लेनी है तो क्या लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में बताना मुझे क्या ये जीरो मैट्रिक्स आ रहा है आपका, कमेंट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई करेंगे। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 17, वी हैव गिवन ए मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी दिस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो सबसे पहले ए स्क्वेयर फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए ए स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू ए इंटू ए, ए इंटू ए देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ, ए क्या है 3, 4, -2, -2, ठीक है, और फिर से ए लिखेंगे 3, 4, -2, -2। इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 3, 3 9 हो जाएगा, -2 × 4 ये क्या हो गया -8। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, 3, 2 जा -6, -2 × -2 दैट इज +4। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 3, 4 जा 12 और 4, 2 जा 8, नेक्स्ट सेकंड रो की सेकंड कॉलम से 4, 2 जा -8, -2 × -2 दैट इज +4। तो ये आपको मिलेगा 1, -2 और ये क्या मिल जाएगा 4 और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको -4। तो ये आपके पास ए स्क्वेयर आ चुका है, अब हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं और के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ए स्क्वेयर किसके इक्वल गिवन है, के ऑफ ए माइनस टू आई, तो ए स्क्वेयर क्या फाइंड आउट किया हमने 1, 4, -2, -4 इक्वल्स टू के ए क्या है आपके पास 3, 4, -2, -2 और यहाँ -2 आइडेंटिटी क्या है 1, 0, 0, 1। इसको सोल्व करते हैं, ये क्या हो गया 1, 4, -2, -4 के की मल्टीप्लाई करते हैं 3k, 4k, -2k, -2k और ये क्या मिलेगा आपको 2, 0, 0, 2, 2 की सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ। अब क्या करते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, 1, 4, -2, -4 और ये देखिए 3k, -2 और -2k, -0, 4k, -0, -2k, -2। अब क्या करेंगे, हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स आ चुके हैं तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इक्वल, तो 3k, -2 किसके इक्वल होगा 1 के, इस -2 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो 1, +2 क्या हो जाएगा आपके पास 3, तो 3k = 3, तो k क्या आ चुका है आपके पास 1। ऐसे ही ये वाला एलिमेंट कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इसके इक्वल होगा तो -2k, -0 = -2, तो -2k किसके इक्वल हो गया -2k, इस -2 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1। तो सब जगह से हमारे पास k क्या आएगा 1, तो हमारी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ए मैट्रिक्स गिवन है हमें ये और आई क्या है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2 और यूनिट मैट्रिक्स हमारी क्या होगी 2 ऑर्डर की, ये होगी 1, 0, 0, 1, ये मैट्रिक्स होगी हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। फिर क्या कह रहा है हमें ये शो करना है आइडेंटिटी प्लस ए, मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 प्लस ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। तो करते हैं इसको, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आई प्लस ए की, आई क्या है आपके पास 1, 0, 0, 1 और आपके पास ए मैट्रिक्स क्या गिवन है 0, 10, अल्फा बाय 2,
माइनस टेन अल्फा बाय टू जीरो। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा, वन, और जीरो माइनस टेन अल्फा दैट इज़ माइनस टेन अल्फा बाय टू, और जीरो प्लस टेन अल्फा दैट इज़ टेन अल्फा बाय टू, और वन प्लस जीरो दैट इज़ इक्वल टू वन। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं वन। नाउ वी हैव टू फाइंड आई माइनस ए। आई क्या है, वन जीरो जीरो वन, और ये क्या है, ए मैट्रिक्स जीरो टेन अल्फा बाय टू माइनस टेन अल्फा बाय टू और वन जीरो, सॉरी। अब इसको क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वन में से ज़ीरो, वन जीरो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस टेन अल्फा बाय टू आएगा इधर, और जीरो में से टेन अल्फा बाय टू को करेंगे तो माइनस टेन अल्फा बाय टू, वन में से ज़ीरो दैट इज़ ज़ीरो, और इस वन में से ज़ीरो दैट इज़ इक्वल टू वन। और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं मैट्रिक्स टू, इक्वेशन टू। नाउ अब हम क्या ले लेते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको क्या प्रूव करना था, आई माइनस ए इंटू में कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आपको शो करनी थी। तो करते हैं, तो इसकी वैल्यू अभी भी हमने फाइंड आउट करी है, पुट करते हैं इक्वेशन टू को यहाँ, और वो टू इक्वेशन क्या है आपकी, ये आई है आपके पास, इसकी वैल्यू वन माइनस टेन अल्फा बाय टू, टेन अल्फा बाय टू वन, और ये क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो ये आपको मिलेगा वन इंटू कोस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाय टू की किससे, साइन अल्फा से। नाउ वन के किससे करते हैं, माइनस साइन अल्फा से, और टेन अल्फा सेकंड कॉलम से करनी है फर्स्ट रो की, वन की करिए माइनस साइन अल्फा से, टेन अल्फा बाय टू की किससे करनी है हमें, कोस अल्फा से। नाउ सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से माइनस टेन अल्फा बाय टू इंटू में कोस अल्फा, वन की किससे करनी है, साइन अल्फा से। नाउ सेकंड रो की सेकंड कॉलम से माइनस टेन अल्फा बाय टू इंटू माइनस साइन अल्फा दैट इज़ प्लस टेन अल्फा बाय टू साइन अल्फा, और वन की कोस अल्फा से दैट इज़ प्लस कोस अल्फा। अब क्या करते हैं, मैं टेन अल्फा बाय टू को यहाँ क्या पुट कर सकती हूँ, हर जगह इसको मैं पुट कर सकती हूँ, साइन अल्फा बाय टू बाय कोस अल्फा बाय टू। तो पुट करते हैं यहाँ, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाय टू कोस अल्फा बाय टू इंटू में क्या है, साइन अल्फा, इधर माइनस साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा बाय टू, यहाँ से पुट किया हमने इसको, डिवाइड में कोस अल्फा बाय इंटू में क्या है, कोस अल्फा। नेक्स्ट क्या है, इसको क्या पुट करेंगे, यहाँ से माइनस साइन अल्फा बाय टू कोस अल्फा बाय टू, और ये क्या है, कोस अल्फा प्लस में क्या है, साइन अल्फा। इधर से पुट करते हैं टेन अल्फा को, ये क्या करेंगे, साइन अल्फा बाय टू डिवाइड में कोस अल्फा बाय टू, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस में क्या था, कोस अल्फा। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम लेते हैं, तो कोस अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा बाय टू इंटू में साइन अल्फा। देखिए क्या बन जाएगा, कोस अल्फा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं, कोस अल्फा बाय टू प्लस ये क्या है ऊपर, साइन अल्फा बाय टू साइन अल्फा, डिवाइड में क्या हो गया, कोस अल्फा बाय टू। नेक्स्ट ऐसे ही एलसीएम हम कहाँ लेते हैं, यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा बाय टू प्लस में क्या है, साइन अल्फा बाय टू और कोस अल्फा, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, कोस अल्फा बाय टू। ऐसे ही एलसीएम हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, तो हमें क्या मैट्रिक्स मिल जाएगी, देखिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, तो ये आ चुका है हमारे पास ये मैट्रिक्स। तो अब देखिए कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी, ए क्या है अल्फा और बी क्या है अल्फा बाय टू, तो ये यूज़ हो जाएगा, कोस अल्फा माइनस अल्फा बाय टू बन जाएगा, और डिवाइड में क्या है, कोस अल्फा बाय टू। नेक्स्ट इधर से ये क्या है, माइनस साइन ए कोस बी
प्लस कोस ए साइन बी। तो इधर से फॉर्मूला माइनस कॉमन ले लेते हैं और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय टू, और डिवाइड में क्या है, कोस अल्फा बाय टू। नेक्स्ट क्या है, इधर से वही माइनस माइनस साइन अल्फा बाय टू है, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा बाय टू साइन अल्फा। तो इधर से मैं इसको क्या मान लेती हूँ, कोस ए सॉरी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए माइनस का कोस ए माइनस, क्या हो जाएगा इधर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ए क्या है अल्फा, बी क्या है अल्फा बाय टू, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय टू दैट इज ए माइनस बी, और डिवाइड में क्या है कोस अल्फा बाय टू। नेक्स्ट ऐसी फॉर्मूला अप्लाई जो हमने यहाँ किया था वही लगाएंगे, क्या हो जाएगा कोस अल्फा माइनस अल्फा बाय टू, डिवाइड में क्या है कोस अल्फा बाय टू। अब देखिए यहाँ अल्फा में से अल्फा बाय टू माइनस करेंगे क्या रह जाएगा, अल्फा बाय टू, तो क्या रह गया कोस अल्फा बाय टू डिवाइड में कोस अल्फा बाय टू। नेक्स्ट इधर से माइनस किया अल्फा में से अल्फा बाय टू दैट इज हाफ रह गया साइन अल्फा बाय टू, और डिवाइड में क्या है कोस अल्फा बाय टू। इधर भी क्या रह जाएगा साइन अल्फा बाय टू, और ये क्या हो जाएगा कोस अल्फा बाय टू। इधर से देखिए अल्फा में से अल्फा बाय टू माइनस किया तो ये क्या रह गया कोस अल्फा बाय टू डिवाइड में कोस अल्फा बाय टू। ये तो हो गया वन, ये क्या हो गया टेन अल्फा बाय टू, ये भी क्या हो गया टेन अल्फा बाय टू, और ये क्या हो गया वन। तो आपको क्या मिला, पहले तो मिला वन, ये क्या मिला माइनस साइन बाहर है टेन अल्फा बाय टू, और ये क्या मिल गया आपको टेन अल्फा बाय टू, क्योंकि साइन बाय कोस क्या होता है टेन, और ये क्या हो गया सेम है क्वांटिटी है तो आपको मिल गया वन। और ये किसके इक्वल है आपका आई प्लस ए के, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। दैट मीन्स हमने क्या शो कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, अ ट्रस्ट फंड हैज़ रुपीज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कह रहा है 30,000 एक ट्रस्ट के पास फंड है और उसको इन्वेस्ट करना है किसमें, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में। फर्स्ट बॉन्ड पे कर रहा है वो 5% पर इंटरेस्ट पर ईयर इंटरेस्ट, और सेकंड बॉन्ड पर वो 7% इंटरेस्ट पर ईयर पेड कर रहा है। तो कह रहा है यूजिंग मल्टीप्लीकेशन आपको क्या करना है, उस 30,000 को टू बॉन्ड्स में डिवाइड करना है। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल, कह रहा है टोटल इंटरेस्ट पहली बार वो उसको कितना मिले 1800, और बाद में जो सेकंड बार है उसको कितना इंटरेस्ट मिले 2000। तो कह रहा है कैसे कैसे उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस फंड को इन टू बॉन्ड्स। तो देखिए इसको हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सोल्व करना है। तो सबसे पहले टोटल मनी कितना है 30,000, तो और कहाँ इन्वेस्ट करना है हमें उस फंड को, टू बॉन्ड्स पर। तो सबसे पहले फर्स्ट बॉन्ड के लिए इन्वेस्ट कर लेते हैं हम रुपीज़ एक्स, और सेकंड के लिए कितना ले लेंगे, जो 30,000 में से बचा है कितना बचा है 30,000 माइनस एक्स। तो कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट द ट्रस्ट हैज इन्वेस्टेड रुपीज एक्स एंड रुपीज, बाकी कितना रुपीज बचा 30,000 में से एक्स को माइनस कर देंगे इन द टू टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स रेस्पेक्टिवली। क्या किया हमने, फर्स्ट बॉन्ड के लिए हमने इतने रुपए इन्वेस्ट किए हैं और सेकंड बॉन्ड के लिए हमने इतने, तो ये हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि हमें नहीं पता हमने कितने इन्वेस्ट किए, लेकिन टोटल का पता है हमें कितने रुपीस इन्वेस्ट करने हैं 30,000। नाउ अब देखिए इस मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे हम मैट्रिक्स फॉर्म में, इन बॉन्ड्स को कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें इसको किसकी हेल्प से सोल्व करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से सोल्व करने के लिए कैसे करना पड़ता है हमें, देखिए अगर यहाँ जो ऑर्डर होगा और यहाँ जो ऑर्डर होगा, मतलब यहाँ अगर P इंटू एन है यहाँ Q इंटू आर है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ
कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के क्या होने चाहिए, सेम, तभी हम क्या कर सकेंगे, मल्टीप्लाई कर सकेंगे किसकी, मैट्रिक्स की। तो करते हैं, तो मैं इसको लिखती हूँ, द वैल्यू ऑफ दीज बॉन्ड्स कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ आर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं गिवन बाय, और उसको मैं ए मान लेती हूँ, पहले बॉन्ड के लिए इन्वेस्ट किया एक्स और दूसरे बॉन्ड के लिए इन्वेस्ट किया 30,000 माइनस एक्स, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1:2, 1 रो है और 2 कॉलम है। नाउ अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं मैट्रिक्स। नाउ द अमाउंट रिसीव्ड एनुअली एज इंटरेस्ट फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैन बी रिटर्न। मैट्रिक्स की फॉर्म में इंटरेस्ट को कैसे लिखेंगे, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, उसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख, हमने किसकी फॉर्म में लिखा था, रो की फॉर्म में, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, कॉलम की फॉर्म में, ताकि हम उसको मल्टीप्लाई कर सके, इन फॉर्म ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स, किसके फॉर्म में लिखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए, और उसको क्या मान लेते हैं, बी, और इंटरेस्ट कितना दे रखा था, पहले का 5%, दूसरे बॉन्ड पे 7%, 5% को क्या लिखेंगे, 5/100, और सेकंड को क्या लिखेंगे, 7% को 7/100, और इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2:1। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें क्या निकालनी है, इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, इंटरेस्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P(R)(T/100। अगर मैं इस R को क्या ले लूँ, R परसेंट, और टाइम आपको क्या दे गिवन है, 1, तो आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल अभी अभी हमने उसको A मैट्रिक्स माना था, और R रेट को हमने B माना है, तो दोनों मैट्रिक्स की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ए मैट्रिक्स क्या गिवन थी आपको, ये, और बी मैट्रिक्स क्या गिवन है, अभी अभी हमने लिया है, ठीक है। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की 5/100 की 5/100 × x प्लस में इसकी किससे करेंगे, इससे, तो ये क्या हो जाएगा, 30,000 है तो 2,10,000, ठीक है, डिवाइड बाय माइनस इसकी इससे करेंगे क्या हो जाएगा, 7x/100, तो ये आ चुका है। और इसको हम सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करोगे तो देखते हैं क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 100 एलसीएम हो गया, ये क्या है, 5x प्लस 2100 माइनस 7x, 5 में से 7x को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस 2x, और ये कितना है, 2,10,000 डिवाइड बाय 100, इस 100 से कट करते हैं इनको, इधर से 20 कैंसिल, कितना रह गया, 2100 माइनस एक्स बाय 50, क्योंकि 2 × 1 = 2, 250 जा, तो ये हो गया आपके पास A×B मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, आपका इंटरेस्ट आया है A×B, तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है वी मस्ट हैव, क्या होना चाहिए, कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, 1800 होना चाहिए, तो इंटरेस्ट हमारे पास ये, अगर हम इस तरह से डिवाइड करते हैं जो मैंने पहले बताया था, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2100 माइनस एक्स बाय 50। अब कंपेयर करते हैं दोनों को, तो 2100 माइनस एक्स बाय 50 इक्वल्स टू 1800। अब क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं 2100 को राइट हैंड साइड पर, तो 1800 माइनस 2100 कितना होता है आपके पास, माइनस 300, और ये किसके इक्वल है, माइनस एक्स बाय 50, माइनस माइनस कैंसिल, तो इधर से 50 वहाँ जाएगा, तो कितना होता है, 5×3 15,000 आ जाएगा। कह रहा है फर्स्ट बॉन्ड पर हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 15,000, तो सेकंड बॉन्ड पे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30,000 में से हमें फर्स्ट बॉन्ड की वैल्यू माइनस करनी थी, और वो कितनी आई है, 15,000, माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15,000। बी पार्ट क्या है हमारा,
कह रहा है हमें कितना इन्वेस्ट करना है, 1600 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, इसको आप खुद से करेंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। नाउ ओवर क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स। कह रहा है बुक्स किसी पर्टिकुलर स्कूल के पास क्या है, 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स हैं और 8 dozen फिजिक्स बुक्स हैं और एंड 10 dozen इकोनॉमिक बुक्स हैं। कह रहा है उनका जो सेलिंग प्राइस है 80, 60 और 40 ईच, मतलब केमिस्ट्री की एक बुक का प्राइस है 80, 10 dozen बुक्स लेनी है हमें, 1 dozen में कितनी बुक्स होती हैं 12, तो 10 dozen, 1 dozen में आपके पास 12 थिंग्स होंगी तो 10 dozen में कितनी होंगी 120, ऐसे ही 8 dozen चाहिए, पहले 1 dozen के लिए कितनी होंगी 12, फिर 12 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 dozen बुक्स आ जाएंगी आपके पास फिजिक्स की। ठीक है, तो एक बुक का सेलिंग प्राइस है केमिस्ट्री का 80, फिजिक्स का है 60 एंड उसके बाद आपके पास है इकोनॉमिक्स बुक्स का सेलिंग प्राइस है एक बुक का 40। तो कह रहा है आप टोटल अमाउंट शॉप बुक शॉप से कितना रिसीव होगा, तो इसको सॉल्व करना है हमें बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट करेंगे, आपको पता है हम एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और एक मैट्रिक्स को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। तो मान लेते हैं ए बी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला तो है केमिस्ट्री बुक्स को ए, तो फिर क्या कर रहा है फिजिक्स, और थर्ड वाला जो है वो इकोनॉमिक्स रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया है जो ए है वो हमने केमिस्ट्री बुक्स के लिए लिया है, बी फिजिक्स के लिए और सी इकोनॉमिक्स के लिए। नाउ नंबर ऑफ बुक्स कितनी सेल करनी है हमें, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड कैन बी रिप्रेजेंट, उस कैन बी रिप्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये देखिए आपने यहाँ ए बी सी बुक्स सेल करनी है, ए कौन सी है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की कितनी है 10, ठीक है 10 dozen, 10 dozen है तो ये तो 10 dozen लेनी है और 1 dozen में कितनी होती है 12, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करना है। बी बी क्या थी आपकी फिजिक्स, फिजिक्स की कितनी है डजन लेनी थी 8, 1 dozen में 12 है तो 8 dozen में कितनी हो जाएंगी 12, इसलिए हमने 12 से पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब उस पूरे मैट्रिक्स को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी कितने डजन लेनी है हमें इकोनॉमिक्स की बुक, वो लेनी है हमें 10 dozen, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया मैट्रिक्स जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी सोल्ड करनी है। नेक्स्ट हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस कितना है उनका, सेलिंग प्राइस ऑफ ए बी सी मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको, अब इसको कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट, अगर पहला हमने रो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है तो दूसरा हम कैसे लेंगे कॉलम की फॉर्म में। देखो ये रो है 1 × 3, 1 रो है 3 कॉलम है, इधर 3 कॉलम है और 1 रो है, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब क्या निकालना है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालने के लिए दोनों मैट्रिक्स की क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई। अब 12 की करेंगे सबसे पहले इस वाली मैट्रिक्स से, तो 10 × 12 दैट इज़ 120, 12 × 8 दैट इज़ 96 एंड 12 × 10 दैट इज़ 120, 80, 60, 40। तो करते हैं मल्टीप्लाई इसकी इससे, 120 प्लस 96 × 60 कितना होता है 5760 प्लस में 120 × 40 क्या होता है 4800। अब इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट पता चल जाएगा, तो कितना मिलेगा 20160, ये आपका टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट रिसीव बाय बुक शॉप से हमें कितने अमाउंट मिलेगा, वो मिलेगा 20160। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20th। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 21st और 22 दोनों ये जो ऊपर स्टेटमेंट गिवन है इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, एज्यूम करो एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी। क्या कह रहा है, ये हमारे पास 5 मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है
एक्स का है 2 इंटू एन, वाई का है 3 इंटू के, जेड का है 2 इंटू पी, डब्ल्यू का है n इंटू 3, एंड पी का ऑर्डर है p इंटू k। तो हमें बताना है, चूज द करेक्ट आंसर करने हैं 21st and 22 क्वेश्चन में। पहला क्या है, कह रहे द रेस्ट्रिक्शन ऑन nkp, इन तीनों पे हमें रेस्ट्रिक्शन बतानी है कौन सी यूज होगी कि हम py और wy क्या हो जाए ऐड, p into y + w into y इनको क्या कर दे ऐड, तो कौन सी रेस्ट्रिक्शन ट्रू होगी। तो देखते हैं, p इंटू वाई करते हैं पहले। p का ऑर्डर क्या है, p का ऑर्डर है हमारे पास ये है p into k। नेक्स्ट y के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो y का ऑर्डर आपके पास था 3 इंटू के। अब आपको पता है जब p इंटू वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम होनी चाहिए, तो k किसके इक्वल होना चाहिए 3 के, k किसके इक्वल होना चाहिए 3 के। एक रेस्ट्रिक्शन हमारी आ चुकी है। नाउ अब हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, wy को। w का ऑर्डर क्या था, w का ऑर्डर था आपके पास n इंटू 3, और y का ऑर्डर क्या है 3 इंटू के। यहाँ देखिए 3 और 3 ये सेम है, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड का मैट्रिक्स की रो ये सेम है, तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। अब दोनों का दैट मीन्स ये जो मल्टीप्लाई करके आया इसका ऑर्डर होना चाहिए, हमारे पास k3 आया, इसका ऑर्डर होगा pk, और इधर से देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा n इंटू के। तो देखिए अब py और प्लस में wy इन दोनों को क्या करना है ऐड। py का ऑर्डर क्या है हमारे पास p इंटू के, क्या था p इंटू के, ये देखिए इधर p इंटू के, और wy का ऑर्डर क्या था n इंटू के। अब दोनों को ऐड होने के लिए आपको पता है ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। देखो नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम है, बट ये p है ये n है, नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ p और n भी क्या होनी चाहिए इक्वल, तो ये दो रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए हमारे यहाँ पर। तो पहले क्या है, p n के इक्वल होना चाहिए, दूसरा k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, और वो ऑप्शन कौन सा है ए। सो 21st का जो क्वेश्चन हम वो पार्ट ए है, मतलब ऑप्शन ए, वो क्या है ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, n किसके इक्वल है p के, ठीक है, तो इसके लिए बतानी है हमें क्या होगा ऑर्डर, 7x - 5z। तो देखिए 7x का ऑर्डर है हमारे पास 2 इंटू n, माइनस करना है 5 इंटू z, और z का ऑर्डर है हमारे पास 2 इंटू p। 2 इंटू p है हमारे पास यहाँ किसका ऑर्डर, z का। अब देखिए यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, बट क्वेश्चन में क्या गिवन था, n p के इक्वल है, मतलब n p के क्या है इक्वल, या तो यहाँ n है, अगर यहाँ n है तो यहाँ पर भी n होगा, अगर p यहाँ है तो यहाँ पर भी p होगा। तो देखिए यहाँ दोनों सेम होने चाहिए, तो क्वेश्चन में n इक्वल टू p गिवन है, या तो यहाँ n होगा तो यहाँ पर भी n होगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा माइनस करके 2 इंटू n, अगर यहाँ p है तो यहाँ पर भी p होना चाहिए 2 इंटू p, इन दोनों में से कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा करेक्ट है, p इंटू n नहीं है, 2 इंटू n, यस ये रहा, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट n इंटू 3 भी नहीं मैच कर रहा, p इंटू n भी, तो हमारा या तो 2 इंटू n होगा या 2 इंटू p, तो ऑप्शन में 2 इंटू n गिवन है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एक्सरसाइज 3.2, और एक्सरसाइज 3.2 हमारी ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू।